जय माता दी सभी को। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 9-10 नवंबर को बैठक है, जो भी मिलकर अपना काम कराना चाहते हैं वो जो है कि करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ज हमारा 21,000 रुपए है, वही रहेगा। ऑनलाइन अगर कार्य कराना है तो जो बैंक अकाउंट दिया गया है उसके अंदर डायरेक्टली आप पे करें। गूगल, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया गया है, ये ध्यान में रखें। 9-10 नवंबर, जैसे सैटरडे संडे बैठक स्टार्ट होती है, ये कंटिन्यू बैठक स्टार्ट रहेगी। अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एड्रेस दे दिया जाएगा और एड्रेस दे दिया जाएगा उस एड्रेस पे आ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ काशी बुला रहे, काशी भी हो सकता है, और भी एरिया है, और जो अभी मैं इस पे बताऊंगा नहीं, मैं बुकिंग के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको आना कहाँ है, ठीक है। तो आप तंत्र काट के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलके अपने तंत्र काट करा सकते हैं, और मिलके जो कुछ भी जानकारियां चाहिए वो भी ले सकते हैं, ये ध्यान में रखें। अब रही बात कि लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें उम्मीद जागती है कि भैया वो परेशान कैसे है, परेशानियां क्यों आई है, कारण क्या है, वो ठीक नहीं होते, तो ये सब सारी चीजें मिलकर जब तंत्र काट कराएंगे तो उस दरमियान में आप सभी को बता दिया जाएगा। और ये एक एक करके देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की भीड़ में आपको बिठा दिया जाएगा, एक एक करके प्रॉपर तरीके से तंत्र काट की जाएगी बैठक के ऊपर। और रही बात, इसमें छोटी सी एक जानकारी मैं दे देता हूं आप सभी को, जिसको सुनने से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ऊपरी भाता है या नहीं है। अगर मान लिया जाए आपके घर में दिक्कत परेशानियां बनी पड़ी है, एक की तबीयत खराब होती है तो एक की ठीक होती है, या एक की तबीयत जैसे खराब होती है और ठीक हो गया और दूसरा बीमार हो गया, और मन में और दिमाग पे प्रेशर है, दिमाग काम नहीं करता, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती या आप बाहर जा नहीं सकते, तो ये आप ध्यान में रखना कि ये ऊपरी बाधाओं से आप अटके पड़े हैं। ऊपरी बाधाओं में अगर आपके दुश्मन है तो दुश्मनों ने कार्रवाई किया होगा, या तो परेशानियां आती है जब आपके कुल देवी और पितृ नाराज होते हैं, उस दरमियान में आपके काम में, रोजी रोजगार में बरकत होना बंद हो जाता है, ये आप ध्यान में रखें। और नव दुर्गा शक्ति पीठ में आप जब भी तंत्र काट कराते हैं तो आपको नव दुर्गा शक्ति पीठ परिवार में जोड़ दिया जाता है, ताकि आप दर दर की ठोकरें ना खाएं और आप कहीं ऐसी जगह पर ना भटके कि आपको परेशानियां झेलनी पड़े। तो आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्टली आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेंगे आपको एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस पे आप आके अपना तंत्र काट करा सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वशीकरण के कार्य होते हैं जो जेन्युइन होता है, आप फिजिकल रिलेशन वगैरह है, आपके संबंध अच्छे थे और बीच में किसी भी वजह से या लड़की घरवाले की वजह से या तो आपके घरवाले की वजह से कोई दिक्कत परेशानियों से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे वशीकरण कर दिया जाएगा। और ऐसे वशीकरण नहीं किया जाएगा जिसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा हो, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा हो, ऐसे वशीकरण नहीं किया जाता है और गलत कार्य यहां पे नहीं किया जाता, ये भी आप नोट कर लेना। गलती से अगर आपने भूल के भी पेमेंट कर दिया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, एक बार बात करने के बाद अगर आप गलत हो तो कार्य नहीं किया जाएगा और ये रिफंडेबल नहीं होता है पेमेंट, ये ध्यान में रखना। अगर आप 100% वशीकरण के कार्य कराना चाहते हैं तो ये जो है कि आप देख लेंगे कि उसमें आपको टाइम टेबल भी बता दिया जाता है, समय भी बता दिया जाता है कि कब तक काम हो जाएगा, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। और नहीं होता है काम तो 20% कट करके आपके पूरे पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं, ये आप नोट कर लेना। बार बार मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बार बार आप सभी को बताऊं और आप सभी को बार बार हम ये कहें कि पैसे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100% का जो कार्य होता है उसमें पैसे आपको वापस हो जाएंगे। जहां तक रही ऊपरी बाधा किया कराया, इसका 100% की गारंटी हमारी होती है, बशर्ते देखना यह पड़ेगा कि आपके ऊपर जो तंत्र लगा है ये ऊपरी लगाया गया है या आपको खाने पीने के माध्यम से खिला दिया गया है, ये आप ध्यान में रखना। खिलाया पिलाया तंत्र का जो
प्रभाव होता है और बहुत प्रचंड होता है, उसे उल्टियों के माध्यम से निकाला जाता है। और खिलाया पिलाया कैसा होता है तंत्र, इसके विषय में मैं बता देता हूं ताकि आप इसे भी समझ लें। अगर आपको खिलाया पिलाया तंत्र है तो ये ध्यान में रहना, आपके नाभि से एसिडिटी की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है और वो सीने तक जाती है, कभी सीना दबाता है, कभी गला दबाता है, कभी सर भारी हो जाता है, कभी आंखें लाल हो जाती है, रीढ़ की हड्डियों में चुभन होती है, पैरों में दर्द आ जाते हैं, घुटनों में जो ज्वाइंट है उसके अंदर दर्द आ जाते हैं, और जो पंजे हैं पैरों के उसके अंदर सूजन दर्द, आप अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाते, ऐसी चीजें जो है कि खिलाया पिलाया तंत्रों में होता है, जो आप सभी लोग इसे सुनकर ये महसूस कर सकते हैं कि आपके ऊपर है क्या। खिलाया पिलाया तंत्र जो है ना वो सवारियां देता है, ये ध्यान रखना, सवारियां देता है, वो जीत करता है और वो प्रचंड टाइप का होता है, वो किसी से नहीं संभलता है। और ऊपरी बाधाओं वाली जो तंत्र लगते हैं वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन खिलाया पिलाया है तो फिर उसे निकलना मुश्किल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा है या खिलाया पिलाया है, ये इसकी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो आप सभी को अगर बैठक पे आना है तो आप आ सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप ध्यान में रखना, जेन्युइन काम होगा तो 100% करके दिया जाएगा, जेन्युइन नहीं होगा तो फिर उम्मीद नहीं करना। जय माता।